हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफेंडर एकेडमी। दोस्तों, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से हमारा जो लेक्चर है वो काफ़ी लेट हुआ है। कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर 35th जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कस किया था आर्यंस के ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। अभी देखो, आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड एक ही है। कभी कभी ऋग्वेदिक पीरियड आपको देखने को मिलेगा, मतलब सुनने को मिलेगा, या फिर पढ़ने को मिलेगा, या फिर मैं जब बोलूँगा या फिर हमारे नोट्स में मिलेगा। कभी कभी ऋग्वेदिक पीरियड देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वेदिक पीरियड जो है वो और अर्ली वैदिक पीरियड सेम ही है, क्योंकि हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्टोरियंस ने वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है ऋग्वेदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा है पोस्ट नहीं बोल सकते, लेटर वैदिक पीरियड। तो एक है ऋग्वेदिक पीरियड, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, वो अर्ली वैदिक पीरियड है। समझ में आ रहा है? ऋग्वेदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड एक ही है, जो कि रन्स जो है वो होता है 1500 से लेके 1000 BCE तक। ये जो 500 साल का कार्यकाल है, 1500 या फिर 1700 1800 से लेके 1000 BCE तक का जो कार्यकाल है, जब ऋग्वेदों की रचना हुई थी, तो इसलिए इसको ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है या फिर अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। उसके बाद जो पीरियड था 1000 से लेके 500-600 तक, उसे बोला जाता है लेटर वैदिक पीरियड, और उसके बाद फिर पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। 1500-1600 से लेके 1000 तक ऋग्वेदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड, और 1000 से 500-600 तक लेटर वैदिक पीरियड, और उसके बाद 500-600 से जब महाजनपद वगैरह आने लगेंगे, तो फिर पोस्ट वैदिक पीरियड भी आप उसे बोल सकते हो। तब 100-200 साल का जो कार्यकाल होगा, उसे पोस्ट वैदिक पीरियड भी आप बोलेंगे, 600-700 के आसपास BC। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर रखना है। तो लेक्चर 36 आज हमारा होगा आर्यंस एंड वैदिक पीरियड के ऊपर, पार्ट 5, और 2 से 3 पार्ट जो है हमारे आने वाले हैं। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि काफ़ी जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और काफ़ी डिटेल में हम कवर करते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा आर्यंस का एक्सपांशन वगैरह किस तरीके से हुआ था। फिर वैदिक पीरियड में हमने रिलीजियस लिटरेचर को कवर किया, फिलोसॉफिकल लिटरेचर को कवर किया, जिसमें उपनिषद को हमने डिस्कस किया था। और फिर लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटिकल लाइफ जो है डिस्कस की थी, ऋग्वेदिक पीरियड की या फिर अर्ली वैदिक पीरियड की। और आज हमारा ऋग्वेदिक पीरियड जो है कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऋग्वेदिक पीरियड के सोशल, इकोनॉमिक और बाकी जो भी एस्पेक्ट्स होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लेटर वैदिक पीरियड की जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों जो है एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फिर बचेगा हमारा मोनार्की का इवोल्यूशन किस तरीके से, और वर्ना सिस्टम का इवोल्यूशन किस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा अभी टॉपिक जो है वो बाकी है, और कुछ हमने कवर कर लिया है। तो आज जो लेक्चर होगा हमारा, वो होगा इकोनॉमिक लाइफ के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हम आज के लेक्चर में। तो आर्यंस जो है ना, सबसे पहले तो ये समझना है, ऋग्वेदिक पीरियड जो था वो आर्यंस होता है 1500 से लेके 1000 BCE तक। कुछ हिस्टोरियंस जो है वो इसे थोड़ा पीछे भी लेके जाते हैं, 2000 तक या फिर 1700-1800 तक, दैट डजेंट मैटर। हमें कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, डेट्स के ऊपर नहीं। डेट्स को एग्जैक्ट या फिर फिक्स कोई बता ही नहीं सकता एक्यूरेट, क्योंकि हिस्ट्री जो है काफ़ी पुरानी है और बता पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो वाइडली एक्सेप्टेड डेट है वो है 1500 BCE से लेकर 1000 BCE तक का पीरियड, फॉर ऋग्वेदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड। तो जब आर्यंस इंडिया में आए थे, तो वो सेमी नोमैडिक थे। सेमी नोमैडिक का मतलब क्या हुआ कि वो पास्टोरलिज्म तो परफॉर्म करते थे, या फिर पास्टोरलिस्ट तो थे ही, लेकिन साथ साथ वो एग्रीकल्चर को भी परफॉर्म करते थे, इसलिए इसे सेमी नोमैडिक कहा गया। नोमैडिज्म मतलब इधर उधर घूमना, माइग्रेट होना। और आर्यंस जो है माइग्रेट होकर आए थे, तो नोमैडिक तो थे, लेकिन जब वो इंडिया में आए तो वो सेमी नोमैडिक हुए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर वगैरह उन्हें परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर काफ़ी बाद में आया था, लेकिन अर्लियर जो था ना, ज़्यादातर उनका जो फोकस होता था वो होता था पास्टोरलिज्म पे, और इसीलिए कैटल जो था एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उनके लाइफ में। कैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, यहाँ से आप देख सकते हो, कैटल जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, और मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रेयरिंग। और इसीलिए जो है ना, कैटल जो है वो एक मोस्ट वैल्यूड पोजीशन के तौर पे देखा जाता था, और चीफ फॉर्म ऑफ वेल्थ भी उसे माना जाता था। और इसीलिए जिसके पास सबसे ज़्यादा कैटल होंगे ना, वो सबसे वेल्दी पर्सन है, ऐसा वो मानते थे। और इसे गोमट कहा जाता था। ये वर्ड्स आपको याद रखने, प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, गोमट वगैरह जैसे वर्ड्स है ना, प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि वेल्दी पर्सन जिसके पास सबसे ज़्यादा कैटल होती थी, उसको गोमट कहा जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में। ओके, और कैटल्स जो थी वो वेल्थ एस्टिमेट करने का एक जरिया था, एक टर्म्स थी। ठीक है, और कुछ प्रेयर्स, सैक्रीफाइसेस वगैरह भी परफॉर्म करते थे, ताकि जो कैटल्स है ना वो बढ़ जाए, ताकि वेल्थ जो है उनकी बढ़ जाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था काऊ, सबसे इंपॉर्टेंट जो काऊ था कैटल्स में। कैटल्स मतलब कि सीप, गोट, काउज, ये सब आ गए कैटल्स में, बफेलोज। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काऊ था, जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी काम करता था। और इसीलिए जो ना, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, और इसीलिए इसको मतलब सैक्रेड नहीं माना जाता, लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट था।
लेकिन सैक्रेड नहीं माना जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में। बाद में फिर लैटर वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में काउ के साथ सैक्रेड चीज़ें जुड़ गई, उसको एक धर्म का पार्ट माना जाना मानने जाने लगा। और आज गाय कितनी इंपॉर्टेंट आपको पता है हिंदुइज्म में, तो लेकिन तब नहीं, तब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, इसलिए भी उसको मारना एक तरीके से अगण्य अपराध था। लेकिन फिर भी काऊ जो थी ना, वो उसको बलि के तौर पे दिया जाता था, भगवान को ऑफर किया जाता था जब सैक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म होते थे। और साथ ही काऊ का जो मांस था, बीफ, वो भी खाया जाता था। इवन जो आर्यन थे वो भी खाते थे, मतलब आर्यन से खाते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, और काऊ किलिंग वैसे तो अगण्य अपराध था, मतलब अगण्य था, काफ़ी रेयरली काऊ के जो किलिंग्स होती थी, लेकिन जब जब भी होती थी तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। देखो, ऐसा माना जाता था कि आप 1,000 बफेलोज या फिर 1,000 गोट या फिर 1,000 शीप जो है ना, उनके कंपेरिजन में अगर 10 काउज की भी बलि दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, भगवान ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा माना जाता था। और इसीलिए काऊ इतनी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, और काऊ मतलब बीफ वगैरह चलता रहता था। जैसे भगवान को ऑफर किया, फिर ऑफर करने के बाद जो पंगत वगैरह होती है ना, मतलब जब लोग बैठते हैं तो फिर उनको परोसा जाता था काऊ को। तो एक तरीके से कैटल ब्रीडिंग जो था, या फिर कैटल रेयरिंग एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन तो था ही, उसमें काऊ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ओके। लेकिन सैक्रेड नहीं था ऋग्वेदिक पीरियड में, ये आपको याद रखना है। सैक्रेड जैसे कोई चीज़ें थी नहीं, वो बाद में आ गई। और आज तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इशू हो चुका है, आपको पता है। उसके बाद कैटल ब्रीडिंग जो है ना, वो चीफ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, ऑब्वियसली हो गई, क्योंकि आपने अभी देखा ही, मैंने अभी आपको बताया कैटल रेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट था, मेन ऑक्यूपेशन था। वेल्थ इस्टीमेट होती थी इसके टर्म में, वेल्दी पर्सन को घूमट कहा जाता, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम होता था, काऊ काम करते थे। तो लेकिन जब वो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में आए, थोड़ा माइग्रेशन जब उनका हुआ, तो फिर उन्होंने एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। और आपको ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद में आपको कृषि वर्ड काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और इसी से आप पता कर सकते हो कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो एग्रीकल्चर था वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो करते थे। और इसलिए यहाँ पे सेमी नोमेडिक लोग उनको कहा गया है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना डोमिनेंट नहीं था, पास्चुरलिज्म या फिर कैटल रेयरिंग काफ़ी डोमिनेंट एक्टिविटी थी। और प्लग्स जो है ना, ये भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, वुडन प्लग भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते क्या है नेक्स्ट। आप यहाँ पे ऐसा पढ़ सकते हो कि ऋग्वेद जो है ना, यहाँ पे 5 सीजन्स के बारे में बात की गई, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि उन्हें थोड़ा बहुत सीजन्स का नॉलेज था, जो कि उनको ऑब्वियसली हेल्पफुल रहा होगा एग्रीकल्चर के लिए। जो लेटर पोर्शन जो ऋग्वेद का, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के अंत में 1000 BC आते आते एग्रीकल्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो चुकी थी। और इसीलिए आपको ऋग्वेद जो है ना, उसमें प्लगिंग, थ्रेशिंग, रिपिंग, सोविंग एक्सेट्रा जैसे काफ़ी जो वर्ड्स है वो देखने को मिलेंगे, और बार बार देखने को मिलेंगे लेटर पोर्शन में, लेकिन अर्लियर नहीं थे, क्योंकि अर्लियर जो थे वो कैटल रेयरिंग ज़्यादा करते थे, वो नोमैडिक थे, वो पास्टोरलिस्ट थे। लेकिन बाद में जो है, जब वो नॉर्दर्न इंडियन प्लेस में सेटल हुए, तो लेटर पोर्शन में ऋग्वेद के आपको ये रेफरेंसेस जो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसका मतलब एग्रीकल्चर डोमिनेंट एक्टिविटी बनता जा रहा था धीरे धीरे। सिर्फ एक ही जो वेराइटी थी उनके पास ग्रेन की, वो थी यव, और यही इनका स्टेपल डाइट था, इसको बार्ली भी आप बोल सकते हो। तो एग्रीकल्चर जो स्टेबल हो रहा था, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, लैंड जो था वो क्या कंसेप्ट था, लैंड का प्रॉपर्टी वगैरह प्राइवेट प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, तो ये थोड़ा समझ लो कि लैंड जो था वो प्राइवेटली ओन नहीं होता था किसी इंडिविजुअल के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो था वो फुल राइट होता था मेजर रिसोर्सेज जैसे लैंड एंड हर्ट्स के ऊपर, क्लैन का, पूरे क्लैन का। अभी क्लैन क्या होती है, जन क्या होती है, हम आगे समझेंगे, सोसाइटी वगैरह के पोर्शन को डिस्कस करेंगे ना, तब हम समझेंगे क्लैन क्या होता है, क्या विश होता है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है क्लैन, विश, फिर जन, ये वर्ड्स प्रिलिप में भी आ सकते हो, तो ध्यान रखना। तो जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स वगैरह नहीं थे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह जैसा कोई कंसेप्ट वो नहीं हुआ था, कम्युनिटी राइट वगैरह वाला कंसेप्ट था यहाँ पे, हम बोल सकते हैं क्योंकि क्लैन जो थी एज ए होल उनका अधिकार होता था मेजर रिसोर्स जैसे कि लैंड एंड हर्ट्स के ऊपर, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट नहीं था। ऋग्वेद जो है ना, यहाँ पे आपको सेवरल वर्ड्स देखने को मिलेंगे फील्ड्स के लिए, प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग लैंड्स वगैरह, लेकिन कहीं पे भी आपको लैंड जो है किसी इंडिविजुअल ने बेची है या फिर मॉर्गेज मतलब गहन रखी है या फिर गिफ्ट दिए ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। और इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे लैंड जो था वो एक तरीके से यहाँ पे प्राइवेटली ओन नहीं था, ठीक है, प्राइवेटली ओन लैंड यहाँ पे नहीं था, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे सेल, मॉर्गेज या गिफ्ट ऑफ लैंड बाय इंडिविजुअल, इसीलिए लैंड जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं देखा सकता, बल्कि कम्युनिटी राइट इसके ऊपर देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे अयाज वर्ड का भी देखने को मिलेगा आपको, अयाज वर्ड यहाँ पे। लेकिन अयाज का एग्जैक्ट मतलब क्या था ये अभी तक समझ में नहीं आया है हिस्टोरियंस को, लेकिन कुछ कुछ बोलते हैं कि ये आयरन हो सकता है, लेकिन आयरन जो था अर्ली वैदिक पीरियड में या फिर ऋग वैदिक पीरियड में लोगों को पता नहीं था। तो ये आपको याद रखना कि आयरन अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था। तो फिर वो फायर का इस्तेमाल करते थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, फॉर लैंड एंड कल्टिवेशन वगैरह, लैंड कल्टिवेशन के लिए, लैंड सॉरी कल्टिवेशन के लिए, लैंड क्लियर करने के लिए, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करने के लिए फायर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आयरन उन्हें पता नहीं था। तो अयाज का मतलब क्या होगा? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है कि कॉपर या फिर ब्रॉन्ज को अयाज बोलते हैं। ओके, क्योंकि जब ये आए थे ना आर्यन, जब इंडिया में आए थे, कहाँ से आए थे आपको पता? ईरान से आए थे, पर्शिया से आए थे, वैसे बेसिकली वो स्टेफिस से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। लेकिन जब वो ईरान में कुछ सालों तक रहे, कुछ सालों मतलब 1000 साल तक रहे लगभग, फिर वहाँ से वो इंडिया में माइग्रेट हुए, तो वहाँ पे भी जो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते थे। और अयाज भी जो है ना, जो अवेस्ता रिलीजन है, मतलब जो जैन रिलीजन था उस वक्त का अवेस्ता रिलीजन, तो वहाँ पे अयास को कॉपर ही बोला गया है। तो इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अयास का मतलब था कॉपर या फिर ब्रॉन्ज या फिर इन दोनों का मिक्सचर, कोई धातु वगैरह वो इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आयरन इसे नहीं कहा जाता था। तो याद रखना कि वहाँ पे एविडेंसेस मिले ही नहीं आयरन के, आयरन लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। मेटलर्जी की एक्टिविटी जो है ना, इसके भी एविडेंसेस काफ़ी कम है, हार्डली रेफरेंस देखने को मिलेंगे आपको। देखो ऋग्वेद और अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जब आप सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ को यहाँ देखते हो, तो ऋग्वेदों में किन किन के बारे में रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे आपको, उसी के बेसिस पे आप उनकी जो हिस्ट्री है ना उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर ऋग्वेदों में मेंशन किया गया है कि किसी व्यक्ति ने कोई लैंड बेची है या फिर खरीदी है या फिर किसी को गिफ्ट दिया है, तो इसका मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट था, और अगर नहीं है तो फिर नहीं था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा, डिस्कस किया कि कोई रेफरेंसेस ही नहीं है सेल मॉर्गेज और गिफ्ट ऑफ लैंड बाय इंडिविजुअल, इस बेसिस पे आप हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हो। तो ऋग्वेद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्यंस के, पर्टिकुलरली कॉमन लोगों के बारे में तो बहुत कम आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यही एक ड्रॉबैक है ऋग्वेदों का या फिर वेदों का एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे आर्यंस के बारे में ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो बाकी जो थे नॉन आर्यंस, इनके बारे में यहाँ पे काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है, जो कि लोकल थे, जो कि इंडिजिनस लोग थे, उनके बारे में आप यहाँ पे आपको काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और एक यहाँ पे ये ड्रॉबैक हो सकता है। तो जब हम सिग्निफिकेंस देखेंगे वैदिक एज का, या फिर आप भी जब सिग्निफिकेंस के बारे में सोचोगे, तो आपको ये सोचना है कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिर्फ आर्यंस के बारे में पता चल रहा है, आर्यंस के बारे में पता चल रहा है तो वो कहाँ पे रहते थे, तो ज्योग्राफी के बारे में पता चलेगा, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलेगा, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता चलेगा, और थोड़े थोड़े रेफरेंसेज जो है नॉन लोकल लोगों, सॉरी लोकल लोगों के बारे में आ जाते हैं। लेकिन एज ए अगर हम देखें तो लोकल लोगों के बारे में, फिर इंडिजनस लोगों के बारे में काफ़ी कम यहाँ पे आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक लाइफ हम डिस्कस कर रहे हैं। हिम्स जो यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिले, कैटररियर्स के बारे में बात करें, मतलब प्रोफेशन कौन कौन से लोग फॉलो करते थे, ऐसे आपको पता चल रहा है कि जो ऋग्वेदिक हिम्स है ना, यहाँ पे आपको कैटररियर्स का रेफरेंस देखने को मिलेगा। फार्मर्स के लिए जो यहाँ पे बोला गया है, बार्बर्स के लिए बोला गया, प्रिस्ट हंटर्स वॉरियर्स, तो ये सब यहाँ पे थे, क्योंकि हिम्स में जो जो हिम्स थे, जो एक तरीके से मंत्र थे, इनमें इन सब के बारे में बोला गया है, मतलब कि ये लोग वहाँ पे थे। फिर क्राफ्ट भी यहाँ पे मेंशन देखने को मिलेगा आपको, जैसे चैरियट मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से फुल टाइम प्रोफेशन था, कार्ट मेकिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन था, कारपेंट्री भी फुल टाइम प्रोफेशन था, टैनिंग मेकिंग बाउज सीविंग वीविंग मेकिंग मैट्स मेटल वर्किंग, तो ये एक तरीके से क्राफ्ट जो है वहाँ पे चलते थे, और जो सेकेंडरी एक्टिविटी थी थोड़ी बहुत वहाँ पे परफॉर्म होती थी, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन फुल फ्लेज सेकेंडरी या टर्शियरी एक्टिविटी वहाँ पे, टर्शियरी एक्टिविटीज़ तो एकदम ना के बराबर थी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, और इसलिए अर्बन सिविलाइजेशन वो बन नहीं पाई थी। ठीक है, और सरप्लस प्रोडक्शन में नहीं था, कुछ एलिमेंट्स होते हैं सरप्लस अर्बन सिविलाइजेशन के लिए, तो हमने देखे थे जब हमने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था, वो अपने वो लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लेना। ठीक है, फिर गिफ्ट गिविंग चलता था और गिफ्ट रिसीविंग भी चलता था, लेकिन ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी कम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि बार्टर सिस्टम काफ़ी मतलब बार्टर सिस्टम ही था एक तरीके से एक्सचेंज के लिए, और कैटल एक मेन मीडियम था, या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू आप बोल सकते हो, जैसे कि मनी है या फिर करेंसी है ना, करेंसी या फिर नोट्स जो है, वो तीन तरीके का काम करते हैं अपनी इकोनॉमी में बढ़ाऊंगा। एक तो वो एज ए ट्रांजेक्शन के लिए मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होती है, दूसरा यूनिट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि यूनिट ऑफ वैल्यू जब हम मैं बोल रहा हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ वैल्यू थे, तो यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब कि सपोज कोई पेन है, तो एक जो पेन है ना, इस पेन को अगर आपको किसी को बेचना है या फिर खरीदना है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, तो इस वैल्यू को आप किस तरीके से फिक्स करोगे। जैसे कि आज आपके पास करेंसी है रुपीज़, तो बोलोगे आपको 10 रुपये का एक पेन है ना, तो आपने करेंसी है तो ईजी हो गया कि एक पेन आपको 10 रुपये बेचना है, तो आपने यूनिट ऑफ वैल्यू जो है फिक्स कर ली। तो बार्टर सिस्टम जो थी वो तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, लेकिन यूनिट ऑफ वैल्यू जो है ना वो कैटल के टर्म में, मतलब सपोज कि आपको सपोज कपड़े खरीदने हैं, तो एक काउ देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको पूरे फैमिली के कपड़े मिलेंगे, तो इस तरीके से वैल्यू जो है फिक्स होती थी और फिर ट्रांजेक्शन होती थी। तो करेंसी तीन तरीके काम करती है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे जब हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, या फिर आपने भी पढ़ा होगा।
एक तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करती है, दूसरा यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब प्राइजेस फिक्स करने के लिए, और तीसरा होती है स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब आप वेल्थ को या फिर प्रॉपर्टी को एक तरीके से स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर 10 लाख है तो आप क्या करोगे, आप ज़मीन खरीद लोगे, है ना। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू काम कर रहा है। तो करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो बार्टर सिस्टम का एक इशू ये था, थोड़ा इकोनॉमिक्स के ऊपर हम जा रहे हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूँ, बार्टर सिस्टम जो है ना उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, या कि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो आ जाता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, सॉरी गला सूख जाता है तो थोड़ा पानी वगैरह पीना पड़ता है। तो बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि मतलब सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा इशू ये था, प्रॉब्लम ये था कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आ जाता है। अभी इसको इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आपको अगर आया है तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि सपोज आपको अगर किसी करेंसी है नहीं, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कोई चीज़ें जो है वो काइंड्स काइंड्स में जो है एक्सचेंज होता था। जैसे कि कोई चीज़ अपने आपको चाहिए तो आप उसके बदले कोई चीज़ दे दोगे। जैसे कि सपोज अभी ये नाम का कोई व्यक्ति है, उसे चाहिए राइस, ठीक है, उसे क्या चाहिए राइस, लेकिन उसके पास जो है वो जूते हैं, वो जूते बनाना काम करता है, उसको राइस खरीदनी है। तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते की ज़रूरत है, लेकिन जिसके पास राइस है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, उसके पास जूते हैं, वो जूते बेचना काम करता है, लेकिन उसको राइस चाहिए। तो उसको क्या करना होगा, ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो जिसको जूतों की ज़रूरत है और उसके पास राइस है। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉज यही है, क्योंकि यहाँ यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है ना। जैसे कि आज करेंसी है, किसी हर चीज़ के दाम फिक्स है। जूते आपको खरीदने तो आप 100 रुपये में जूते खरीद सकते हो, आपको राइस चाहिए तो आप 10-15 रुपये किलो जो भी राइस है वो आप खरीद सकते हो। आपके पास पैसे है, आप राइस भी खरीद सकते हो, एट द सेम टाइम जूते भी खरीद सकते हो। आपको ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं कि जो एट द सेम टाइम राइस भी उसके पास हो और जूते भी उसको चाहिए, नहीं ना। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना मनी का या फिर करेंसी का रोल होता है, और बार्टर सिस्टम इसलिए जो है वो एक तरीके से फ्लॉप आप मान सकते हो। लेकिन उस वक्त कोई करेंसी वगैरह इवॉल्व नहीं हुई थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो नो करेंसी मतलब वहाँ पे कोई करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम चलती थी, ठीक है। और कैटल जो था एक तरीके से यूनिट ऑफ वैल्यू हुआ करता था, ठीक है। पानी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे ऋग्वेद में, तो इसका मतलब तो श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पानी वो लोग थे जो काफ़ी वेल्दी थे। पानी जो लोग थे ना वो काफ़ी वेल्दी थे, लेकिन वो नॉन आर्यंस थे, वो सैक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, और इसीलिए ऋग्वेद में उनके बारे में काफ़ी भला बुरा कहा गया है। और ये मर्चेंट भी थे, ऐसा भी माना जाता है, काफ़ी मर्चेंट थे या फिर काफ़ी वेल्दी लोग थे जिनका काफ़ी ज़्यादा काउज होती थी, और ये कुछ कभी कभी ये काउज चुरा के भी लेके जाते थे आर्यंस थे, ऐसा भी आपको ऋग्वेद में मेंशन होता हुआ हिंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पानीज कौन थे, एक तरीके से मर्चेंट या फिर जो ट्रेडर्स या फिर जो वेल्दी लोग थे, जो नॉन आर्यंस होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर जो अर्ली आर्यंस थे वो भी हो सकते हैं। मतलब मैंने जब आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, आर्यंस 2-3 वेव्स में आए थे, तो उसमें से फर्स्ट वेव्स में आने वाले हो सकते हैं या फिर सेकंड वेव, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस और काफ़ी ज़्यादा कंफ्लिक्ट जो चलता रहता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। वार बूटी जो है ना एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ मानी जाती थी, लेकिन वहाँ पे आपको वेज लेबर का कोई कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वेज लेबर मतलब पैसे दे के लेबर खरीदना, किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो आप उसको पैसे दोगे, तो इस तरीके से वेज लेबर का कंसेप्ट आपको ऋग्वेदों में देखने को नहीं मिलेगा। हाउस होल्ड ही जो था ना वो ही सब कुछ काम वगैरह करते रहते थे, मतलब खेत में या फिर बाकी भी काम जो खुद घर पे ही घर के लोग कर लेते, तो वेज वगैरह वाला कंसेप्ट कोई था नहीं। स्लेवरी मानी जाती है कि स्लेवरी थी वहाँ पे, और स्लेव जो थे वो लेबर काम करते थे, ठीक है, मास्टर्स के लिए, और जो वुमन थी जो मेल थे वो तो मतलब बाकी काम करेंगे, और वुमन एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी यूज़ होती थी, मतलब सेक्सुअल प्लेजर वगैरह के लिए भी वुमन का इस्तेमाल होता था, और स्लेवरी भी है ना वो चलती रहती थी, गिफ्ट वगैरह में महिलाओं को देना या गाय को देना, तो ये चलता रहता था गिफ्ट में, गिफ्ट गिविंग रिसीविंग, इसमें वुमन काउज कैटल्स वगैरह चलते रहते थे, बच्चे बच्चे भी कभी कभी एक्सचेंज हो जाते थे। तो ये कुछ फ्लॉज आप बोल सकते हो यहाँ पे जो ऋग्वेदिक पीरियड में थे, कुछ एविल प्रैक्टिसेस थी, इकोनॉमिक इनक्वेलिटीज भी थी यहाँ पे, जैसे कि कुछ पानी जैसे वेल्दी लोग थे और कुछ गरीब लोग भी थे। कुछ ऐसे हिम्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक गरीब ब्राह्मण जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी जो वाइफ है उसको एक जो राजा है, मतलब राजा मतलब वो ट्राइबल चीफ वगैरह, वो उठा के लेके आया तो उसको वापस ला के दो। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इनक्वेलिटीज एग्जिस्ट करती, यहाँ से आप बोल सकते हो। लेकिन मोर और लेस सोसाइटी जो थी ज़्यादातर इगेलिटी रहती थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक इनक्वेलिटीज या फिर सोशल इनक्वेलिटीज नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि सोशल इनक्वेलिटीज इसलिए नहीं थी क्योंकि वर्ना सिस्टम वो नहीं हुई थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, मोबिलिटी थी, आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमने देखा इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। यहाँ से आपको मेजर पॉइंट्स क्या आपको पता चले कि लोग जो थे वो सेमी नोमैडिक थे, मिक्स पास्टोरल एंड फार्मिंग वगैरह वो करते थे। अर्लियर जो था वो कैटल रेयरिंग के डोमिनेटेड था, लेकिन लैटर फेजेस में मतलब लैटर जब ऋग्वेदिक पीरियड जब खत्म होने को आया था 1000 BCE के
आसपास तो एग्रीकल्चर भी थोड़ा वो डोमिनेंट हो चुका था। वेल्दी पर्सन को गोमट कहा जाता था। काऊ एक चीप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करते थे, कैटर रेडिंग वगैरह, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, काऊ जो थी ना वो एक चीप मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती थी बार्टर सिस्टम में, ऐसा बोलना था मुझे, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, लैंड जो था ना वो यहाँ पे क्लैन का पूरा राइट होता था, कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जैसा कुछ कंसेप्ट था नहीं, इंडिविजुअल राइट्स वगैरह नहीं थे। ठीक है, उसके बाद मेटलर्जी एक्टिविटीज़ आपके आपको यहाँ पे एविडेंस से देखने को नहीं मिलेंगे। फिर कुछ कॉलर जो है वो यहाँ पे आयरन्स जो है ना वो बोल रहे कि आयरन से, लेकिन ज़्यादातर एविडेंस ये बता दे कि आयरन नहीं था, कॉपर और ब्रॉन्ज को ही अयास वो लोग कहते थे। ठीक है, फायर का इस्तेमाल वो करते थे फॉरेस्ट को बर्न करने के लिए। उसके बाद बार्टर सिस्टम के बारे में डिस्कस, पानी लोगों के बारे में डिस्कस किया, स्लेवरी वहाँ पे थी, वेज लेबर वाला कंसेप्ट कोई था नहीं, वार बूटी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ माना जाता था। अलग अलग तरह के प्रोफेशन में देखिए, क्राफ्ट में इंक्लूड चैरियट मेकिंग वगैरह। ठीक है, तो ये हमने सब डिस्कस कर चुके हैं, तो इकोनॉमिक लाइफ हमने डिस्कस की है, होप आपको समझ में आ चुका है, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा एक बार रिवाइंड कर लेना तो समझ में आ जाएगा। अभी हम देखेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी के बारे में, ऋग्वेदिक लोगों की। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी मतलब वो क्या खाते थे क्या पीते थे, तो ऋग्वेद जो है ना यहाँ पे आपको फूड ड्रिंक्स क्लोथ लेजर टाइम वगैरह के बारे में मेंशन होता हुआ देखो देखने को मिलेगा ऋग्वेदों में। और जब हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद मतलब कि जब बुक नंबर 2 to 7 मतलब फैमिली बुक्स लिखे गए थे वो ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, समझ में आ रहा है ऋग्वेदिक पीरियड का मतलब क्या है, तो बुक नंबर 2 to 7 लिखे गए थे। उनका स्टेपल डाइट जो था वो था बार्ले या फिर यो, और कुछ रेफरेंस देखने को मिलेंगे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का कंजम्पशन वो कर रहे हैं, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं। ठीक है, वैदिक टेक्स्ट यहाँ पे आपको मीट ईटिंग भी रेफरेंस आपको मिलेंगे वैदिक टेक्स्ट में, और जैसे मैंने कहा कि काउ किलिंग भी चलती रहती थी एज ए ऑफरिंग टू गॉड, क्योंकि काउ काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, मतलब 100 शीप या गोट या फिर बफेलोस के बदले अगर आप 10 काउ अगर डोनेट कर रहे हो या फिर ऑफर कर रहे हो भगवान को, बलि दे रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर ऐसा माना जाता था, तो भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे ऐसा माना जाता था। और बाद में वो जो बीफ है ना वो परोसा जाता था लोगों को, मतलब ब्राह्मीस वगैरह जो थे जो प्रीस्ट थे वो भी तब काऊ का मांस खाते। इवन मैं आपको अब जैसे कि अभी आपने देखा देश में अभी काफ़ी कंट्रोल चल रहे हैं नॉन वेज के ऊपर, अभी जैसे कि हमारा 9 दिन का नवरात्र होता है अभी चल रहा है, तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल से बीजेपी के कोई एमएलए ने एमपी ने दिल्ली में कुछ कह दिया था तो उसके ऊपर कंट्रोल चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 16th सेंचुरी तक साउथ इंडियन ब्राह्मीन्स जो है ना वो भी मतलब जो है नॉनवेज खाते थे, और 19th सेंचुरी तक नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण भी नॉनवेज खाते थे, और आज बंगाल वगैरह में या फिर केरल में या फिर कश्मीर पंडित जो नॉनवेज खाते हैं। तो ये फालतू बहस चलती रहती है हमारे देश में, पॉलिटिसाइज काफ़ी ये इशू किए जाते हैं इसलिए बहस है, नहीं तो आज तक ऐसी बहस हुई नहीं है हमारे देश में। ठीक है, हमें उससे मतलब कोई लेना देना नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, हमें जागरूक होना चाहिए, हमें इस चीज़ों में पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे कि देखो आप ऋग्वेद में तो मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो मीठी खाते थे काफ़ी, मतलब यव ही थे, गेहूँ वगैरह तो थे नहीं, गेहूँ राइस वगैरह की चीज़ें होती नहीं थी, मिल्क प्रोडक्ट भी काफ़ी कम खाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो क्या खाते थे, मीट ईटिंग काफ़ी चलता था, इवन वो काउ को भी खाते थे। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है तो पढ़ना लिखना काफ़ी ज़रूरत होता है, नहीं तो फिर लोग बेवकूफ़ बना रहे थे पॉलिटिशियन आपको। ठीक है कोई बात नहीं, हमें थोड़ा बहुत हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ता है, टॉपिक तो इम्पोर्टेंट नहीं हमारा, वो तो डिस्कस करते रहेंगे हम सिलेबस। तो सोमा जो है वो एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो है वो भी पीते थे, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे आज लोग अल्कोहल का सेवन करते थे उस तरह से लोग सोमा वगैरह भी अल्कोहल का मतलब सोमा का सेवन भी करते थे, और सोमा प्लांट भी है और सोमदेव भी है। ठीक है, मतलब भगवान भी जो है ना शराब वगैरह पीते रहते हैं ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे स्ट्रैटेजी का हमने डिस्कस किया, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन तो आया नहीं आज तक लेकिन पता होना चाहिए आपको। उसके बाद रिलीजियस लाइफ को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक होगा रिलीजियस लाइफ लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद तो शायद ही कुछ होगा सोसाइटी, हाँ सोसाइटी काफ़ी बचा है बच्चे। ठीक है, रिलीजियस लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं, रिलीजियस लाइफ में क्या है, तो जो इनकी जो रिलीजियस आइडियाज़ है वैदिक लोगों की ऋग्वैदिक लोगों की, ये आपको उनके हिम्स में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि उनके मंत्रों में ही सब कुछ है, आप उनके मंत्रों को पढ़ो आपको सब पता चल जाएगा कि वो क्या, उनके क्या रिलीजियस आइडियाज़ थे, उनके क्या पॉलिटिकल लाइफ थी, उनकी क्या सोशल लाइफ थी। तो उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में आपको उनके हिम्स से ही पता चलेगा, जैसे कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नेचुरल जो फोर्सेस है जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि फायर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वाटर, अर्थ, रेन, थंडर, तो इनको ही उन्होंने फिर भगवान बना दिया था, इनको पर्सोनिफाइड कर दिया था इनटू नेचुरल, मतलब नेचुरल फोर्स को पर्सोनिफाइड किया था विद ह्यूमन फॉर्म, मतलब जैसे कि अग्निदेव, अग्निदेव बना लिया, जैसे कि एक इंसान होगा फायर, अभी फायर आपको पता है
लेकिन इसको भी पर्सोनिफाई, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से जो नॉन लिविंग चीज़ें या नॉन लिविंग चीज़ें ना, मटेरियल चीज़ें, उनको फिर ह्यूमन फॉर्म दे दोगे, उसको कहा जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, एक अलंकार है पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा जब आप स्कूल या फिर कॉलेज लाइफ में थे, इंग्लिश ग्रामर में पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच होती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचर की पूजा करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, जैसे कि अग्नि हो गई तो अग्निदेव बना दिया, फिर वरुण मतलब पानी तो वरुण देव, सूर्य देव, इस तरीके से, क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर उन्होंने क्या किया, मस्कुलाइन नेचर में इनको पूजा, मतलब एक तरह से पैटर्न की सोसाइटी आप यहाँ से बोल सकते हो, क्योंकि फीमेल गॉडेस काफ़ी कम है, और इससे आप पता लगा सकते हो कि पैटर्न की सोसाइटी थी। और भी कई एविडेंस है जिससे पता चलता है कि अर्ली वैदिक पीरियड या फिर वैदिक पीरियड या फिर वैदिक पीरियड जो पैट्रियार्कल सोसाइटी था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो फीमेल गॉडेस काफ़ी कम देखने में मिलेंगे, फिर मेल को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी, फीमेल्स वगैरह, तो ये हम आगे देखेंगे जब सोसाइटी वगैरह को हम डिस्कस करेंगे तब। लेकिन रिलीजन जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी शो कर रहा है प्रिमिटिव एनिमिज्म, मतलब एक तरीके से एनिमल्स वगैरह की पूजा वगैरह वहाँ पर होती थी। तो इम्पोर्टेंट जो गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड के, वो इंद्र माना जाता था, इंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट गॉड जो है माने जाते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन बाद में मतलब त्रिदेव वगैरह का कंसेप्ट वहाँ पे था नहीं तब, इंद्र ही जो था वो इम्पोर्टेंट गॉड था, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेंथ, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ उसे माना जाता था, ताकि एनिमीज जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसको इन्वोक किया जाता था, इंद्र को। और जो ट्राइबल चीफ था ना, जो राजा था उनका ट्राइबल चीफ, वो भी एक तरीके से इंद्र का ही पर मतलब एक तरीके से रूप वो देखते थे उसमें इंद्र को, क्योंकि वो भी जो ट्राइबल जितना वो प्रोटेक्ट करने का काम करता था उनको, पूरे ट्राइब को, उनके काउज को, उनके कैटल्स को। ठीक है, इसे गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है, रेन मेकर भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यही वरुण देव को ऑर्डर देगा, फिर बाद में जो है रेन वगैरह होगी, और इसको कोई हरा नहीं सकता था, ही कुड नॉट बी वैंक्विश, इसको कोई हरा नहीं सकता था। ठीक है, तो थंडर रेन जो है ना, ये स्ट्रेंथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है या फिर क्वालिटीज़ है, सॉरी एक्टिविटीज और क्वालिटीज़ है, थंडर एंड रेन ये स्ट्रेंथ रिलेटेड क्वालिटीज है, जिसको मस्कुलिन फॉर्म में प्रेजेंट किया गया इन द फॉर्म ऑफ गॉड इंद्र। ठीक है, और यहाँ से भी आप एक तरह से बोल सकते हो कि एक सोसाइटी पैट्रियार्कल माइंडसेट, पैट्रियार्कल माइंडसेट से चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड अग्नि, अग्नि एक इंपॉर्टेंट गॉड थी, और ऐसा माना जाता है कि अग्नि जो है ना वो एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करती है, अग्नि जो है ना वो एक तरीके से क्या काम करती है, इंटरमीडिएट का काम करती है बिटवीन गॉड एंड मैन। अभी किस तरीके से, तो जब आप सैक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हो, जब आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हो, तो अग्नि का इस्तेमाल तो होता ही है। तो जब आप अग्नि में कोई चीज़ें डालते हो, जैसे फूड डाल रहे हो, तो ऐसा माना जाता है कि ये फूड जो है ना, अग्नि जो है वो स्मोक के फॉर्म में भगवान तक पहुँचा देंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था नेक्स्ट टू इंद्र अग्नि गॉड इम्पोर्टेंट, क्योंकि सैक्रीफाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए अग्नि गॉड जो है ना, अग्निदेव काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। वरुण वाटर के जो देव थे, है ना, पानी वगैरह बरसाते, नेचुरल ऑर्डर के अपहोल्डर भी माना जाता है, आसान चीज़ें आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ऋग्वेदिक जो रिलीजन था ना, वो नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म था। नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म का मतलब क्या, कि नेचर वाले, नेचर की पूजा करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा भगवान थे, पॉलीथेइज्म मतलब भगवान एक से ज़्यादा थे। यम एक इंपॉर्टेंट गॉड है, लास्ट लेक्चर में हमने यम की जो स्टोरी थी वो भी डिस्कस की थी, जिसमें सोल एक तरीके से इमॉर्टल है, ये उसका इसेंस था। नचिकेत और यम के बीच में जो डायलॉग्स थे, उसमें हमने देखा था कि सोल किस तरीके से इमॉर्टल है, मृत्यु के बाद क्या होता है, तीन लोक होते हैं, ये सब हमने कठोपनिषद के जो डायलॉग थे उसमें डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गंधर्वज आपको देखने को मिलेंगे, अप्सराज, मारुत्स के भी आपको यहाँ पे एविडेंसेस या फिर रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गंधर्वज कौन थे, तो ये म्यूजिशियंस थे एक तरीके से, जो भगवान के दरबार में गाना वगैरह गाते थे, और अप्सराज फिर डांस करती थी। ठीक है, तो ये गंधर्वज और अप्सराज थे, मारुत्स वगैरह थंडर के भगवान भी माना जाता है इनको, तो इनके लिए भी कुछ आपको जो है वो हिम देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम सोमा, सोमा भगवान मतलब ड्रिंक जो है ना, दारू वगैरह अपने शराब बोल सकते हो आप, सूर्य, सूर्यदेव, रुद्रदेव, रुद्र मतलब लेटर एजेस में, यही जो है ना आपके शिवा वगैरह बोल सकते हो आप, भगवान शंकर वगैरह, उन्हीं का ही रूप माना जाता है। तो रिलीजन था एक तरीके से आप बोल सकते हो, सैक्रिफिशियल रिलीजन था इनका। ठीक है, सैक्रिफिशियल रिलीजन था, रिचुअल्स ज़्यादा वो मानते थे और परफॉर्म करते थे, और मुक्ति वगैरह अगर आपको चाहिए तो आपको रिचुअल से परफॉर्म करनी होगी, ऐसा अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग्वेदिक पीरियड में माना जाता था। ठीक है, बाद में फिर उपनिषद वगैरह आए, तो हमने डिस्कस किया उपनिषद आए 1500 to 1600 BC में, और फिर सैक्रीफाइस का इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हुआ, क्योंकि वहाँ पे फिर नॉलेज ज्ञान मार्ग के ऊपर फोकस हुआ, और कुछ अनऑर्थोडॉक्स डॉक्स या फिर हेटरोडॉक्स रिलीजन जो है वो आए थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट वगैरह, तो फिर उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था सैक्रीफाइस वगैरह का, क्योंकि इसमें एक वर्ग का काफ़ी फायदा होता था, जो होते ब्रिस्ट या फिर ब्राह्मण्स। ठीक है,
तो ऋग्वेद जो है ना, यहाँ पे आपको टेम्पल्स वगैरह के बारे में कोई एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। ऋग्वेद में टेम्पल वगैरह थे नहीं, इमेज वर्शिप भी जो है वो थी नहीं। बेसिकली टेम्पल जो है ना काफ़ी बाद में आए थे, पहले जो बुद्धों के जो होते नहीं या होते थे ना, क्या बोल सकते हैं हम, विहार वगैरह या फिर स्तूपाज, वो आए और फिर वहीं से वो टेम्पल वगैरह का कंसेप्ट जो इवॉल्व हुआ था। तो सैक्रीफाइस यजना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि भगवान को भगवान को मनाने के लिए या फिर उनको उनकी पूजा करने के लिए परफॉर्म किए जाते थे, ताकि उनको क्या मिले, उनको आशीर्वाद मिले। जैसे कि वॉर के पहले वो पूजा करते थे, युद्ध में जाने से पहले, बैटल में जाने से पहले, ताकि उनको विक्ट्री मिल जाए, फिर अच्छा बेटा मिलने के लिए। ये भी एक आपको पता चल रहा है कि पैट्रा की सोसाइटी थी, क्योंकि तो ब्रेव सन की वो ज़्यादा कामना करते थे, गुड हेल्थ के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए भी वो सैक्रीफाइस परफॉर्म, मतलब हर चीज़ के लिए सैक्रीफाइस परफॉर्म करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा सैक्रीफिशियल सोसाइटी हो चुकी थी, और रिलीजन था वो काफ़ी रिचुअलिस्टिक रिलीजन था, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कर्मकांड वगैरह बढ़ गए थे। तो फिर हेटरोडॉक्स रिलीजन जो इवॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे आपको, जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ओके, और उपनिषद का आइडिया जो है ना, वो इसी वजह से आई थी, क्योंकि सैक्रीफाइसेस काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ग का काफ़ी डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था दिन पर दिन, और काफ़ी ज़्यादा डियर या फिर महंगा रिलीजन ये हो रहा था दिन पर दिन। तो सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अभी लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा सोसाइटी का होगा, ठीक है। तो अर्ली जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो बेसिकली ट्राइबल थी, मतलब यहाँ पे जो जो सोसाइटी का जो सेटअप था वो ट्राइबल था, कोई यहाँ पे वर्ना सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम डेवलप नहीं हुई थी, आपको याद रखना है। कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे या फिर कुछ नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे इस टॉपिक के, जहाँ पे सीधा सीधा बोला गया कि अर्ली वैदिक पीरियड जो थी वो वहाँ पे वर्ना सिस्टम थी, नहीं, ऐसा नहीं था। वो काफ़ी मतलब काफ़ी गलत पढ़ाते हैं कुछ लोग, और देखो आपने अगर यूट्यूब पे लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे सीधा सीधा बोलते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड जो ना वो वहाँ पे वो वर्ना सिस्टम को डाल देते, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ना सिस्टम इवॉल्व ही नहीं हुई थी अर्ली वैदिक पीरियड में, और वो हुई थी तो बाद में हुई थी अराउंड 1000 BC के क्लोजिंग पीरियड में, मतलब जब अर्ली वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था तब फिर वर्ना सिस्टम थोड़ी थोड़ी इवॉल्व हो रही थी, और किस तरीके से हो रही थी हम देखेंगे। वर्ना सिस्टम के ऊपर हमें स्पेशल लेक्चर लेना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो जो अभी भूपिंदर सिंह जैसे जो बुक्स हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वो अपडेटेड है, रिसर्च बेस्ड है। तो ऐसे बुक्स आपको ज़्यादा पढ़ने चाहिए, ना नहीं कि बल्कि वो पुराने बुक्स जो अभी भी वही मतलब पुरानी बातें बता रहे हैं। तो ट्रेंड भी UPSC का वही है, हमें उसी के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई वर्ना सिस्टम वगैरह थी नहीं, यहाँ पे देखो मैंने बताया कि नो वर्ना सिस्टम इन अर्ली वैदिक, ठीक है। तो काफ़ी गलत चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है कुछ लोगों के द्वारा। जो सोसाइटी जो थी ना, वो नॉट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड वर्ना लाइन्स, जैसे कि मैंने आपको बोला आपको, लेकिन राजाज, पुरोहित, आर्टिसन वगैरह जो थे ना वो थे, लेकिन कोई कास्ट सिस्टम डेवलप नहीं हुई थी या फिर वर्ना सिस्टम डेवलप नहीं हुई थी। कुछ ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोसाइटी थी वो ट्राइबल सोसाइटी थी, तो ट्राइब्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ट्राइब्स को जन कहा जाता था, ट्राइब्स को जन कहा जाता था, ठीक है। जन मतलब ट्राइब, तो अभी भारत ट्राइब, कुरुश ट्राइब, पुरुष ट्राइब या दूस ट्राइब, ये ट्राइब्स थी, ठीक है। और इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट भी चलते थे, ठीक है। इंटर ट्राइबल, इंटर रिलीजियस या फिर इंटर वर्ण या फिर इंटर कास्ट कन्फ्लिक्ट नहीं थे, इंटर ट्राइब कन्फ्लिक्ट थे। क्यों? क्योंकि कुछ ट्राइब पहले आई थी, कुछ ट्राइब बाद में आई थी, कुछ लोकल लोग थे, कुछ माइग्रेटरी लोग थे, इनकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते थे। फिर जाके इन्हीं रीजन्स की वजह से वर्ना सिस्टम डेवलप हुई है। वर्ना सिस्टम डेवलप होने का कारण ये था कि इंटर ट्राइब कन्फ्लिक्ट काफ़ी होते थे, कुछ लोकल लोग थे, कुछ बाहर से आए लोग थे, और ट्राइब में भी जो आर्यंस थे उनमें भी जो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट चलता था, और इसी वजह से फिर बाद में आगे चल के वर्ना सिस्टम डेवलप हुई है, वो देखेंगे हम आगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि ट्राइब्स जो है ना, जन को ही ट्राइब बोला जाता था, और जो ट्राइब बनती थी वो बनती थी सेवरल क्लैंस, क्लैन को विच बोला जाता था। ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें, और काफ़ी ऐसी चीज़ आजकल ज़्यादा टर्मिनोलॉजी के ऊपर या फिर टर्म्स के ऊपर, शब्दों के मतलब के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं आजकल। तो आपको याद रखना है कि ट्राइब्स को जन्म बोला जाता था, और सेवरल क्लैंस से ट्राइब्स बनती थी, और क्लैंस क्या होते थे, तो कुछ फैमिलीज मिला के एक क्लैन बनती थी, एक वंश बनता था, कुछ फैमिलीज मिला के, ऐसी फैमिली जो है वो ट्राइब बनाती थी। पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, और इसीलिए एक क्लैंस या फिर ऐसे कुछ 10 से 12 फैमिली जो है वो मिलकर एक क्लैन बनती थी, और ऐसे 50-60 क्लैंस मिलकर एक ट्राइब बनती थी, जो कि 2-3 विलेजेस में या फिर 2-3 गाँव में रहती थी पूरे, ठीक है, एक ट्राइब, और फिर उनमें कन्फ्लिक्ट वगैरह चलते थे। तो जो बेसिक यूनिट था आर्यंस का वो था कुल, फैमिली, और इसका जो लीडर था उसे कहा जाता कुलपा, कुलपति, जो कि एक फैमिली का प्रोटेक्टर था। जनरली मेल मेंबर होता था एल्डेस्ट मेल मेंबर, तो यहाँ से आपको पता जा रहा है कि सोसाइटी जो थी वो थी पैट्रियार्कल सोसाइटी, और ब्रेवसन मिलने के लिए काफ़ी वो मतलब हिम्स वगैरह पूजा पाठ करते रहते थे। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि सोसाइटी जो पैट्रियार्की सोसाइटी थी। फिर वुमेन की पोजीशन क्या थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोजीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने कहा था जैसे कि आपने सिलेबस जब मेंशन किया है ना, तो सिलेबस में जब मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि वुमेन के ऊपर आपको फोकस देना, नोट,
वुमेन के ऊपर फोकस करना है, तो क्वेश्चन आ रहे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट है, तो ये हम देखेंगे अभी सेपरेटली स्पेशल एकदम कि वुमेन की क्या पोजीशन थी अर्ली वैदिक पीरियड में, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो हिस्टोरियंस जो ज़्यादातर हिस्टोरियन कुछ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन जो है ना वो अर्ली वैदिक पीरियड को एक गोल्डन एज मानते हैं वुमेन के लिए, तो क्या सच में ये ऐसा था या नहीं था ये हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ सवाल जो है ना पता होने चाहिए, जब भी आप वुमेन की पोजीशन को देखना चाहते हो किसी भी सोसाइटी में, आप एनालाइज करना चाहते हो, तो आपको दो तीन चीज़ें जो है ना देखनी है, दो तीन सवाल आपको पूछने हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए मतलब क्वेश्चंस क्या है, आपको अगर आप पता करना चाहते हो, आप एनालाइज करना चाहते हो वुमेन की पोजीशन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल जो राइट है उनके क्या है, इकोनॉमिक राइट क्या है, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है जैसे लैंड वगैरह, प्रॉपर्टी ओनरशिप, इन मतलब इनहेरिटेंस वगैरह, ठीक है ना, वारसा वगैरह, इनमें उनके क्या मतलब पोजीशन है, कितना अधिकार है उन्हें। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रही है, जैसे यहाँ पे न्यू प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेंगी, ऋग्वेदिक पीरियड में न्यू प्रैक्टिस काफ़ी चलती थी, है ना, तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उनका किस तरीके से रेगुलेट कंट्रोल है, तो इस बेसिस पे आप किसी भी सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन क्या है वो पता लगा सकते हो अच्छे या बुरी। ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, एक तो सबसे पहले एजुकेशन, दूसरा पॉलिटिकल राइट, तीसरा जो मटेरियल जो राइट है रिप्रोडक्टिव या फिर प्रोडक्टिव रिसोर्स के ऊपर जो राइट है, उसके बाद इनहेरिटेंस राइट्स वगैरह, तो ये सब आपको देखना होगा और तभी आप किसी भी सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन को एक तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो सोसाइटी भले ही पैट्रियार्की थी ऋग्वैदिक पीरियड में, लेकिन वुमेन की पोजीशन काफ़ी बढ़िया थी, मतलब ऐसी पोजीशन जैसे कि आज है, आज भी हो सकता है आज के कंपैरिजन, मतलब आज के कंपैरिजन में अगर आप ऋग्वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड को अगर कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि अर्ली वैदिक पीरियड ज़्यादा बेटर है वुमेन्स के लिए। आज भी काफ़ी अच्छी पोजीशन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है वगैरह है, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड के बाद जो 3-2 हज़ार साल का जो कार्यकाल है ना, तो काफ़ी बुरी हालत थी महिलाओं की, लेकिन आज काफ़ी बेहतर है और अर्ली वैदिक पीरियड में भी आज की जैसी उनकी कंडीशन थी, और इसीलिए अर्ली वैदिक पीरियड को गोल्डन एज फॉर वुमेन कहा गया है नेशनल हिस्टोरियन के द्वारा। तो देखते हैं क्या सही है क्या नहीं है। तो एजुकेटेड वो थी, एजुकेशन का उनको अधिकार था, पॉलिटिकल असेंबलीज में वो जाती थी, आपको कई फिलोसफिकल डिबेट्स में कई जो जैसे घोषा वगैरह जैसे जो वुमेन है वो देखने को मिलेंगी। उनके बाद उनको पार्टनर चूज करने का उनके पास अधिकार था, वहाँ पे आपको कुछ वुमेन्स जो है वो हिम्स कंपोज करते हुए भी देखने को मिलेंगे, लेकिन काफ़ी रेयर ऐसे एविडेंसेस हैं। तो अनमैरिड वुमेन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, घोषा जैसी जो कि अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, काफ़ी रेयर है, आज तो आप शायद ही ऐसा देखोगे कोई अनमैरिड वुमेन होगी, ठीक है। कुछ इंस्टेंसेस जो है आपको यहाँ पे मैं ऐसे देखने को मिलेंगी, यहाँ पे फ्रीली वो यंग बॉयज़ के साथ जो घुल मिल सकती थी और लव अफेयर्स वगैरह भी चलते थे, इवन यहाँ पे जो है ना हिम नंबर 7.5 कहाँ पे हिम नंबर 7.5 जो है यहाँ पे लव मैरिज के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से पता चल कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे उनकी पोजीशन थी। फीमेल गॉडेस जो आपको देखने को मिली जैसे कि अदिति, उषा, उषा मतलब गॉड ऑफ डॉन सुबह की देवी, और अदिति मतलब गॉड ऑफ सूरज, जो सूर्य भगवान है जिनकी जो माँ थी उसको अदिति कहा जाता है। फिर लेकिन फिर भी जो है ना वो डिपेंडेंट ही मानी जाती थी फादर ब्रदर या मदर के ऊपर, मतलब मेल काउंटर पार्ट के ऊपर उन्हें डिपेंडेंट माना जाता था। यहाँ पे नियोग वाली प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेंगी जिसमें विडो जो उनको कोहबिट होना करना पड़ता था सिस्टर ब्रदर इन लॉ के, ताकि मेल बेबी अगर नहीं है तो, मतलब जब तक मेल बेबी सपोज पति मर गया तो विदाउट मेल बेबी तो दे हैड टू कोहबिट विद ब्रदर इन लॉ टिल द मेल बेबी इज बॉर्न, ठीक है। तो इस तरह की नियोग प्रैक्टिस थी जिससे कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है वुमेन का एक तरह से कंट्रोल हो रहा था या फिर रेगुलेट हो रहा था, तो ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। उसके बाद वो सैक्रीफाइस परफॉर्म कर सकती थी लेकिन अपने पति या फिर पति के साथ ही कर सकती थी, लेकिन कुछ आपको अपाला या फिर विश्वेश्वरा जैसी वुमेन देखने को मिलेंगी जो कि खुद सोलो विदाउट एनी कंपनी मेल कंपनी सैक्रीफाइस परफॉर्म करती थी। तो वुमेन की पोजीशन ठीक ठाक थी, मतलब ठीक ठाक मतलब काफ़ी बेहतर थी, ठीक है। तो क्या सच में अर्ली वैदिक पीरियड जो है उसको गोल्डन एज बोल सकते हैं हम, जैसे कि 19th सेंचुरी के जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म होते हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गया, महात्मा फुले हो गए, ठीक है, अगरकर वगैरह हो गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने वेदों का हवाला दिया था और काफ़ी सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी जैसे सती प्रथा बंद करना वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पे कोई सती प्रथा वगैरह जैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी अर्ली वैदिक पीरियड में। और फिर 20th सेंचुरी के नेशनल हिस्टोरियन थे ना, इन्होंने भी वैदिक एज को गोल्डन एज कहा था वुमेन के लिए, क्यों, क्योंकि काफ़ी ह्यूमिलिएशन और ऑपरेसिव आर्गूमेंट जो कॉलोनियल हिस्टोरियन के द्वारा दिए जाते थे हमारे लिए, तो इसका एक काउंटर आर्गूमेंट के तौर पर हमने अर्ली वैदिक पीरियड का एग्जाम्पल लिया फॉर वुमेन्स, ठीक है। तो फेवर में कुछ पॉइंट्स आप बोल सकते हैं जैसे कि सच में अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो गोल्डन एज था या नहीं था, तो फेवर में पॉइंट है फीमेल गॉडेस थी, मेल मैरिज जो थी वो काफ़ी लेट होती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, ठीक है, 15 से 16 की उम्र में शादियाँ होती थी, ठीक है। तो बढ़िया है, एक्सेस टू असेंबलीज, पॉलिटिकल असेंबली, सैक्रिफिशियल राइट थे,
लाइक गार्गी, घुसा, पाला, लुका मुंड्रा, ऐसे कुछ फिलोसोफर भी थे जिन्होंने हिम्स वगैरह कंपोज किए हैं, लव मैरिज के एविडेंसेज, विडो री मैरिज, एक्सेस टू एजुकेशन वगैरह आपको देखने मिलेगा। तो फेवर फेवर में है, अगेंस्ट में भी कुछ पॉइंट होंगे जैसे कि रेफरेंसेज एंड हिम्स जो है फीमेल गॉडेसेस के लिए काफ़ी कम है, वुमेन प्रीस्ट के एग्जाम्पल काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, सोलो राइट भी नहीं था, लेस और नो कंट्रोल ओवर मटेरियल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उनका रेगुलेट होता था, कंट्रोल होता था थ्रू प्रैक्टिस लाइक न्यूयॉर्क, अभी हमने डिस्कस किया। रेयर इंस्टेंसेज देखने को मिलेंगे विडो री मैरिज के, है ना। उसके बाद सोसाइटी थी पैट्रियार्कियर और पैट्रिलिनियर, तो इस तरीके से आप अगेंस्ट में भी कुछ पॉइंट बोल सकते हो, तो आपको एक बैलेंस आंसर आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ एनालिसिस खुद कर सकते हो, एनालिसिस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। फ्री में आप आपको मटेरियल मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एनालिसिस भूल जाओ, एनालिसिस आपको करना है तभी आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। तो मैरिज का इंस्टीट्यूशन जो इवॉल्व हुआ था, ठीक है, चाइल्ड मैरिज नहीं थे, ऋग्वेदा जो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप के मैरिज मोनोगामी, पॉलीगामी, पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीगामी मतलब कि एक व्यक्ति जो है दो से तीन शादी मतलब महिलाओं के साथ शादी कर रहा है, और पॉलीएंड्री मतलब द्रौपदी वाला उदाहरण, ठीक है, महाभारत में ना एक द्रौपदी उसके चार पांच हस्बैंड थे, तो उसे पॉलीएंड्री बोला जाएगा। राइट टू चूज पार्टनर था, रीमैरिज विडो रीमैरिज होते थे, और यहाँ पे लव मैरिज का इंस्टीट्यूशन भी आपको हिम नंबर 7.8 में देखने को मिलेंगे। अदर डायमेंशन में क्या है, तो बेगर वगैरह के एविडेंस नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है, भिखारी वगैरह नहीं थे, वेज अर्नर्स थे नहीं, है ना, वेजेस वगैरह के बारे में नहीं था, इकोनॉमिक लाइफ में डिस्कस किया था, सोसाइटी इकोनॉमिकली सर्टिफाइड थी, ठीक है, और पानीज वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया है, और अलग अलग तरह के क्राफ्ट वगैरह परफॉर्म होते थे, मतलब मल्टी क्लास मल्टी क्राफ्ट सोसाइटी थी, मल्टी क्या बोल रहा हूँ मल्टी क्लास सोसाइटी थी ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गोत्र और इसका ओरिजिन किस तरह से हुआ मैंने थोड़ा बताया था आपको। सोशल इम्पैक्ट जो है ना कैटररिंग का, वो ये भी है, कैटररिंग का अगर आपको इम्पोर्टेंस पूछा जाए, तो गोत्र वाला जो कंसेप्ट ना बोला ना, हमारे गोत्र का नहीं, हमारे सेम गोत्र का नहीं, तो ये कहाँ से आया, तो ऐसा होता था कि क्लैन जो थी ना, क्लैन जैसे कि हमने देखा, क्लैन मतलब फैमिली होती थी बेसिक यूनिट, फिर उसके बाद होती थी क्लैन, क्योंकि दो से चार फैमिली मिलकर बनती थी क्लैन, और ऐसी क्लैन मिलकर बनती थी आपके जन ट्राइब। तो क्लैन जब एक ही शेड में मतलब अपने पूरे काउस के साथ एक ही घर में अगर 10 से 15 फैमिली रह रही है, तो फिर उन्हें बोला जाता था वो सेम क्लैन के, सेम गोत्र की है, ठीक है, काउस से आया है, गाय से गोत्र आया है, ठीक है, तो मतलब कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर हमारा गोत्र बोल, कॉमन एंसेस्टर, तो यही से आया कि एक ही शेड के अंदर एक ही घर में उनके काउस के साथ जितने भी लोग रहेंगे फिर वो सेम गोत्र के माने जाते थे, ठीक है, उसे कॉमन एंसेस्टर बोला जाता है। और जो डॉटर थी उसे दुहित्री कहा जाता है, दुहित्री डॉटर को, मतलब मिल्चर ऑफ काउ, ठीक है। होप आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा होगा, तीन लेक्चर आएंगे, और लेटर वैदिक पीरियड में सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ में क्या चेंजेस आए ये हमें देखना है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कि जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा कि क्या चेंजेस हुए थे जब आप लेटर वैदिक पीरियड में मूव करते हो फ्रॉम अर्ली वैदिक पीरियड, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको एनालिस करना होगा कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस आए, तो आप तो देखेंगे, मतलब मैं तो करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत एनालिटिकल एबिलिटीज आपकी अच्छी डेवलप होंगी। फिर मोनार्की और वर्ना सिस्टम का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, देखो अभी हमने सोसाइटी डिस्कस की, लेकिन यहाँ पे वर्ना सिस्टम को मैंने डिस्कस नहीं किया है ना, हमने सोसाइटी डिस्कस की लेकिन यहाँ पे वुमेन की पोजीशन डिस्कस की, मैरिज के बारे में डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे वर्ना सिस्टम हमने डिस्कस ही नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल सिलेबस में मेंशन है इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड वर्ना सिस्टम, है कि नहीं, अभी हम देख लेते एक बार फिर से सिलेबस आपका, यहाँ पे आपको स्पेशल मेंशन किया गया इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड वर्ना सिस्टम ड्यूरिंग ऋग्वेदिक मतलब आर्यन एंड वैदिक पीरियड, तो फिर यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर आएगा कि मोनार्की किस तरह से इवॉल्व हुई थी और वर्ना सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुई थी, टोटल पूरा आर्यन के पीरियड में 1500 से 2000 BC की से लेके 500-600 BC तक मोनार्की और वर्ना सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुई, पूरा 2000 साल का इतिहास हम देखेंगे, 2000 साल में किस तरह से वर्ना सिस्टम इवॉल्व हुई, किस तरह से मोनार्की इवॉल्व हुई, तो यहाँ पे उसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट बनता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोनार्की और वर्ना सिस्टम के ऊपर एक लेक्चर लेंगे, और फिर पोस्ट वैदिक पीरियड में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि 500-600 BC के बाद 100-200 साल क्या हुआ, जब आपके मतलब एक तरीके से जब उपनिषद बन के तैयार हुए, वहाँ से लेके फिर महाजनपद